हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन का पार्ट वन देखने के बाद में अब स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। अगर किसी ने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी बिना देर किए। आपका लक्ष्य चाहे जो भी हो, जरूरी ये है कि आप अपनी क्षमता को पहचानें और वह सब करने की कोशिश करें जिसके लिए आप सक्षम है। हम सभी में कुछ नया सीखने की असीमित क्षमताएं हैं। हमारा दिमाग तभी तरोताजा रहेगा जब वो उसे निरंतर कुछ न कुछ काम में व्यस्त रखेंगे। जैसे ही हमने कुछ नया सीखना छोड़ दिया, बस वही हमारी उन्नति भी रुक जाएगी। तो याद रहे, कोई भी रातों रात कामयाब नहीं बन जाता है, उसके लिए हमको बहुत परिश्रम करने पड़ते हैं। 21वीं शताब्दी का अगर कोई गुरु मंत्र है तो ये है कि हमें हमेशा अच्छे से और अच्छा बनने की भूख होनी चाहिए। आत्म अनुशासन से उन्नति के मार्ग पर चलकर ही सफलता पाई जा सकती है। कई बार हमसे कम शिक्षित या कम काबिल व्यक्ति हमसे आगे निकल जाते हैं। सच कहे तो हमारे साथ में भी, कि हर किसी के साथ में हुआ है ये चीज। तब आपको कैसा महसूस हुआ है? बुरा लगना ये स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है। मगर क्या आपने ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? क्या आपने स्वयं को, अपने प्रयासों को टटोला, ध्यान दिया? हो सकता है कि हमने बीच में ही कहीं सीखने की चाह को छोड़ दिया हो। इसके अपने कारण हो सकते हैं। हर किसी के, मैं सबको रेस्पेक्ट करूंगी, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। आप आज एक निर्णय लीजिए कि आप दोबारा स्वयं जिम्मेदारी लेते हुए अपनी जिंदगी को पटरी पर लेके आएंगे, क्योंकि निर्णय लेना ये पहला कदम है। और हाँ, याद रहे, ये निर्णय हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इच्छा और आशा के बीच का अंतर हमको याद ही होगा, हमको पता ही होगा। तो अब हमको उन लोगों के जीवन से कुछ सीखना है जिन्हें हम अपनी प्रेरणा मानते हैं। जैसे कि वो अपना दिन कैसे व्यतीत करते हैं, उनके क्या शौक हैं, वो खाली समय में क्या करते हैं और उनकी प्रेरणा के स्रोत क्या है। हो सके तो हमें अपनी ही सोतरा सोचने वाले लोगों को तलाशें। इस किताब में एक उदाहरण भी दिया गया है जो हम यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आम तौर पर हम ऐसा होते हुए कई जगहों पे देखते हैं। और जैसे बॉब बटन नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने बड़ी कंपनी में जूनियर सेल्स के पद पे काम करना स्टार्ट किया था। उसने देखा कि वहाँ काम करने वाले लोग उनके ओहदे के हिसाब से समूहों में बटे हुए हैं और उन समूहों में कुछ खास बातचीत भी नहीं होती है। यहाँ तक कि काम के प्रति उनके व्यवहार में भी अंतर है। जहाँ वरिष्ठ उनके काम को गंभीरता से लेते हैं, वहीं उसके साथ काम करने वाले जूनियर्स काम ना करने के बहाने ढूंढते हैं। बॉब ने उसके वरिष्ठ के काम करने के पैटर्न को समझने की कोशिश की और थोड़ा बहुत उसे अपने आचरण में भी लाना स्टार्ट कर दिया। उसने उन्हीं की भांति अपने दिन को पहले से प्लान करना स्टार्ट किया। यानी कि हमें एवरी डे की जो प्लान होती है कि नेक्स्ट डे हमें क्या करना है, उसको अगर हम लोग पहले से प्लान करके रखें तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा। हमेशा सबसे अच्छी बातें सीखे। और सबसे जरूरी बात, समय समय पर बॉब ने उनको अपनी प्रगति के बारे में भी बताया, जिसका परिणाम उसके काम में भी दिखने लगा। और कुछ ही समय में बॉब उन टॉप सेल पर्सन की सूची में शामिल हो गए। अब हम पूछना चाहेंगे कि अगर आप बॉब बटन की जगह होते तो क्या करते? क्या आप अपने वरिष्ठ से या अपने से ऊँचे पद वाले लोगों से सलाह लेते? हम अक्सर हम सोचते हैं कि जो लोग उच्च पदों पे होते हैं वो जूनियर से बात करना पसंद नहीं करते होंगे, या कहे तो अपनी सफलता की राज नहीं बांटना चाहते होंगे। बॉब को भी ऐसा ही कुछ उसके वरिष्ठ ने बताया था। तो सच बात तो ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से एक कठिन और लंबा रास्ता तय करने के बाद में सफलता मिली है जिनको। और उनको परिश्रम का शब्द आता है, मेहनत का शब्द अर्थ पता है, इसीलिए पूछे जाने पे वो हमेशा ही मदद करने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन हमें एक बात का यह ध्यान रखना होगा कि अगर वे हमारे लिए समय निकाल रहे तो हमें भी उन्हें थैंकिंग देना होगा, धन्यवाद देना होगा, शुक्रिया करना होगा। अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन का होना तो बहुत जरूरी है। कई बार हम छोटी छोटी आदतों में बदलाव से भी ये चीज कर सकते हैं, जैसे कि एवरी डे सिर्फ 7 मिनट अपने विषय के बारे में पढ़ना, जरूरत पड़ने पर उसके अगर कोई कोर्सेस है वो भी करना,
और सिर्फ प्रतिभा होना काफ़ी नहीं होता है, उसे तराशना भी जरूरी पड़ता है। जब हम अपना खाली समय कुछ न कुछ नया सीखने में इस्तेमाल करते हैं, तब हम हमारे लिए विकल्पों को ढूंढते हैं, या ये कहे तो हमारे लिए विकल्पों की कमी नहीं होती। हमारे पास हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए समय होता ही है। ब्रायन ट्रेसी ने बताया कि हमें किसी भी अपॉइंटमेंट से पहले स्वयं को कुछ वक्त देना होता है, जो हमें उस अपॉइंटमेंट के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। प्रतिदिन वो अपने लक्ष्य को नए सिरों से देखें और उनमें से किसी भी एक सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को चुने और उसको पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो उस मीटिंग के बाद स्वयं से कुछ दो प्रश्न करें, पहला कि मैंने क्या सही किया और दूसरा क्या मैं इससे और अच्छा कर सकता था। और अंत में जब भी किसी से मिले तो उनसे ऐसा व्यवहार करें जिसकी अपेक्षा हम अपने लिए करते हैं, अपने आप के लिए, अपने अपने प्रियजनों के लिए करते हैं। जब आप इसे पालन करना स्टार्ट करेंगे तो आप अपने लाइफ में इसके परिणाम देख करके दंग रह जाएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे कि हिम्मत में भी आत्म अनुशासन का हाथ किस प्रकार होता है। अगर कोई व्यक्ति साहसी है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसको डर नहीं लगता। ऐसा नहीं है, डर हम सभी में होता है और इसे हमें कोई सिखाता नहीं है। साहसी व्यक्ति डर को काबू में करना जानते हैं, वह उसका सामना करना जानते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर डर हमने स्वयं सीखा है तो इसका ये अर्थ हुआ कि इसे हम भुला भी सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, प्रत्येक व्यक्ति किसी काम की कठिनाई से ज़्यादा उसके परिणाम को लेकर के डरा हुआ रहता है। अगर मैं असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे और लोगों में मेरी इज्जत कम हो जाएगी, ऐसा विचार मन में घर कर लेते हैं। और अगर ये भावना स्थायी रूप से दिल और दिमाग में बैठ जाए तो इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। इसके लिए हमको अपने दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। ऐसा करने से ब्रायन ट्रेसी ने नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन किताब में एक आसान सा सुझाव दिया है। वे कहते हैं कि जब भी आपको डर लग रहा हो तब उसके एकदम विपरीत दर्शाएं, यानी कि ऐसा बर्ताव करें कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। स्वयं को स्थिति में देखने का प्रयास करें जहां आप बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हो। इसे हम विजुअलाइजेशन इस नाम से भी जानते हैं। और यकीन मानिए, किसी भी नकारात्मक परिस्थिति को सकारात्मक बनाने के लिए यह बहुत प्रभावशाली टेक्निक है। और यहाँ हम अपने दिमाग को सकारात्मक तस्वीर दिखाते हैं, और जैसा हम पहले भी जान चुके हैं कि हम अपने मन और दिमाग को जैसा दिखाएंगे वो वैसा ही देखेगा। और स्वयं को अनुशासित करें कि जब भी कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आएगी तब आप हिम्मत नहीं हारेंगे, और विजुअलाइजेशन को काम में लाते हुए उसका सामना तब तक करेंगे जब तक आप पूरी तरीके से उस डर को अपने मन से ना निकाल दें। जब हम डर की बात कर ही रहे हैं तो और एक बात करते हैं जो अक्सर हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि पब्लिक स्पीकिंग। जी हाँ, सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़ों को भी पब्लिक स्पीकिंग से थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है। और हमने शायद कहीं टोस्ट मास्टर इनका नाम अगर सुना हो तो क्या आपको पता है कि क्या कारण है टोस्ट मास्टर्स ये दुनिया के मंझे हुए व्यक्ता के रूप में जाने जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उनको दूसरों के सामने किसी भी विषय पर अपने विचार बांटने होते हैं और फिर उनको प्रतिक्रिया भी दी जाती है। इस समय उनके भी मन में डर होता ही है, मगर वे इसके कारण वहाँ जाना बंद नहीं करते हैं। वह उस डर का सामना तब तक करते हैं जब तक कि वो पूरी तरीके से मन से चलाना जाए वो डर। इसी का पालन करते हुए लोगों के मन से पब्लिक स्पीकिंग के डर को जड़ से निकाल दिया। लोग कभी कभी क्या होता है, एक डर पे काबू पा लेने से उसके जुड़ी चिंता भी अपने आप निकल जाती है। इसीलिए अपने डर को खुला ना छोड़े, उसका सामना करे और उसे हरा दे। अपने कदम डर की तरफ बढ़ाते से आगे जो भी होगा वो जिसकी जिम्मेदारी हमारी होगा। अगर हम अपने डर को अपने ऊपर में हावी ना होने दे तो डर की ताकत कम हो जाती है। और जिम्मेदारी लेना ये सबके बस की बात नहीं है। और यहाँ पे हमको स्वयं को आत्म अनुशासन में बांध लेते हैं तब कुछ भी कठिन नहीं लगता है।
चाहे वो कठिन परिस्थिति का सामना हो, कुछ नया सीखना हो या फिर हिम्मत के साथ में आगे बढ़ना हो, आपको किसी भी बात से डर नहीं लगता क्योंकि आपको स्वयं पर विश्वास होता है और ये विश्वास ही हमारी ढाल बन करके खड़ा रहता है। अगला एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि जिसमें हम बात करेंगे दृढ़ निश्चयता, यानी कि जब भी हम स्वयं को हार ना मानने के लिए प्रेरित करते तो हमारे आत्मसम्मान में विभूति होती है, यानी बढ़ता है आत्मसम्मान। तो जब ये बढ़ोतरी होती है, जब हम निरंतर दृढ़ता का परिचय देते हैं तो हमारा व्यक्तित्व, हमारा चरित्र और भी मजबूत होता जाता है और हमें कोई भी रोक नहीं सकता। जब हम स्वयं के क्षमता को चुनौती देते और अपेक्षा से ज़्यादा कुछ करते हैं तब हम खुद की नज़रों में ऊपर उठ जाते हैं। फिर हमें किसी भी बाहरी सराहना या फिर पुरस्कार की आवश्यकता ही नहीं होती है। हम सभी इस कौशल को अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। किसी भी कठिन कार्य से पहले स्वयं से कहिए, मैं हार नहीं मानूंगी, और इसी को जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करने से पूर्व हम सभी को अपने दृढ़ता की परीक्षा देनी ही पड़ती है। यह हमारे सामने अलग अलग रूप में आता है। कभी कोई मुश्किल दौर जो हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है, कभी कोई असफलता जो हमारे आत्मविश्वास की परीक्षा लेते हैं, कभी कोई आसान रास्ता जो हमारे सही निर्णय करने की क्षमता को टटोलती है। इन सभी में उत्तीर्ण होने के बाद ही हम बड़े लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाने के लिए रेडी रहते हैं। और व्यक्ति की असली परीक्षा कठिन समय में ही होती है। उस वक्त उसके विषय में कई ऐसी बातें पता चलती है जो अब तक कई दबी हुई थी अपने ही अंदर। कभी कभी तो स्वयं ही वो इस बदले हुए रूप को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है। हम अक्सर स्वयं से सवाल पूछते हैं, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मगर मन चाहे परिणाम तो तब मिलते हैं जब हर बार गिरने पर भी हम दुगुनी ताकत के साथ में उठ करके खड़े होते हैं और फिर अंततः सफलता पा ही लेते हैं। सकारात्मक देख रहना, स्वयं को दया की दृष्टि से ना देखना, यह हमें सीखना होगा। याद कीजिए वो तीन शब्द, मैं जिम्मेदार हूँ। हम अपने जीवन को स्वयं चलाते हैं, उसमें दूसरों को दोष देने से कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा हो या बुरा हो, जो है वह हमारे निर्णयों का ही परिणाम होना चाहिए, तो उसे स्वीकार करें। अगर हो सके तो हमें दो चार दूसरों के ऊपर में कुछ इंजाम लगाने के बदले अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। ब्रायन ट्रेसी ने इस विषय पर बहुत से खूबसूरत विचार बांटा है। वो कहते हैं कि मुसीबतों को भगवान से मिला हुआ उपहार समझे, जो हमें मजबूत बनाने के लिए मिला है ना, बहुत खूबसूरत विचार। मुसीबतों को थकान से मिल भगवान से मिला उपहार समझे, जो हमें मजबूत बनाता है। सीख को या लेसन को मुसीबतों के रूप में वहां हमें देते हैं। कभी कभी कीमत यानी कि मुसीबतों से ज्यादा तोहफा यानी कि सीख ज्यादा मूल्यवान होता है। स्वयं से वादा करिए कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। आप कितनी बार गिर रहे हैं, कितनी, उससे कई ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप कितने बार वापस से दुगनी ताकत के साथ में खड़े हुए उसको ताकत बनाइए। तो ये इस किताब का था पहला भाग। अब इस चैप्टर में जानेंगे कि किसी गुण को अपनाने के बाद हम कैसे लाइफ में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ब्रायन ट्रेसी ने हमें पहले भाग में बताया कि आत्म अनुशासन का अर्थ होता है हाथ में लिए हुए काम को पूरा करना, चाहे वो काम हमें अच्छा लगे या ना लगे। इससे ये बात तो स्पष्ट होती है कि किसी काम को पूरा करने में आत्म अनुशासन का जितना महत्व है या जितना उपयोग होता है। लाइफ में ऐसे कई परिस्थितियां आती जब हम आत्म अनुशासन से डगमगा जाते हैं। आप जब अपने काम की जगह होते तो हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई बातें होती है जिससे हमारे ध्यान काम से हट सकता है, लेकिन इनके बावजूद हम कितनी जल्दी उन ध्यान भटकाने वाली बातों से बाहर आते हुए अपने काम पर फोकस करते हैं। यह हमारे सफलता को बढ़ाए, संभावना को बढ़ाएगा। एक बार एक वरिष्ठ कारीगर से कंपनी में सफलता के लिए जरूरी खूबियों के बारे में पूछा गया तो 85% लोगों ने इस बात पर अपनी सहमति जताई कि प्राथमिकता के आधार पर कामों को बांटने की कला और उसे पूरा करने की अनुशासन का होना, ये वो खूबियां है जो किसी भी व्यक्ति की तरक्की के लिए अहम भूमिका निभाता है। जो व्यक्ति इन उपयोग को समझ करके उस पर अमल करते हैं, उनके तरक्की में बढ़ोतरी
कंपनी में उनका नाम और फिर जिसकी पदोन्नति निश्चित होती है। और इन दो खूबियों को समझने के लिए सबसे पहले व्यर्थ यानी कि महत्वपूर्ण को, व्यर्थ और महत्वपूर्ण इनको अलग अलग समझना यानी कि उसका महत्व समझना चाहिए। जो लोग बेकार के काम में अपने समय जाया करते हैं उन्हें जितना भी समय मिले वो कम ही होता है, क्योंकि वे समय रहते काम की प्राथमिकता को नहीं समझ पाते हैं, या ये कहे कि आकलन नहीं कर पाते काम का। बाद में समय के अभाव से या तो वो उनको काम अधूरे छोड़ने पड़ते हैं या फिर जो वो काम करते भी है वो जरूरी नहीं होते हैं। समय सीमा करीब होती है और वो हड़बड़ी में काम को निपटाने का प्रयास करते हैं, जिसमें वे कई बार गलतियां कर बैठते हैं जो हमको भारी पड़ सकती है। इसीलिए स्वयं की छवि को ऐसा बनाएं कि लोग आपको आपके काम से जाने, और जब आपके वरिष्ठ आपको अपने काम के कारण में काम के प्रति या आपकी गंभीरता के कारण पहचानने कहेंगे तो सफलता दूर नहीं है। नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन में बाइन ट्रेसी स्वयं की एक सेमिनार का एक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि एक बार उन्होंने वहां आए हुए लोगों से उनके वेतन को दुगना करने के लिए अपना लक्ष्य बनाने को कहा। उन सभी के पास कई कारण थे जिसकी वजह से ये संभव नहीं हो सकता था। जब ब्रायन ट्रेसी ने उनसे और एक सवाल पूछा कि क्या उनकी कंपनी में क्या कोई ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको उनसे दुगना वेतन मिल रहा होगा, जरूरी सी बात है, उत्तर हाँ था। और तब उन्होंने कहा कि इसका अर्थ यह है कि कंपनी का प्रश्न नहीं है बल्कि शायद उनके प्रयासों में कमी है जिनके कारण उनको दुगना वेतन नहीं मिल रहा है। इस बात को और स्पष्ट करते हुए ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि ऐसे सुझाव की बात करते हैं जो हमारी प्राथमिकता तय करने के लिए हेल्प करेगा। इसमें हम उन काम की सूची तैयार करें जो हमें एक हफ्ते या फिर एक महीने में करनी है। उस सूची में से एक काम को चुनाव कीजिए जो हमें कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे एक के बजाय दो और दो के बजाय तीन के कामों को चुनिए और पूरा करिए। इसे लॉ ऑफ थ्री कहा जाता है। इस प्रक्रिया में उनको उन कामों को ना करें जो कोई और भी कर सकता है। इसके लिए आपको और आपके बॉस का एक मत होना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरीके से काम की प्राथमिकता की सूची जो बनाए और सूची को अपने वरिष्ठ से बांटे। अब ये वो तय करने के लिए कि कंपनी के लिए वो सूची में से कौन सा कार्य सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बात ध्यान रखें कि काम के समय सिर्फ काम ही होना चाहिए। इसके लिए आपको किसी से रुका बर्ताव करने की आवश्यकता नहीं है। आप उनको शिष्टता पूर्वक भी बता सकते हैं कि आप अभी व्यस्त है, काम खत्म होते आप उनसे बात कर लेंगे। और आप ये उत्तर तभी दे सकते हैं जब आप स्वयं आत्म अनुशासनित होते हैं। इस किताब में ब्रायन ट्रेसी ने कई मौकों पर स्वयं का उदाहरण भी दिया है जो उनके कही हुई बातों को और भी वजनदार बना देते हैं। ऐसे ही एक उदाहरण में उन्होंने बताया कि 30 वर्ष के होने के बावजूद उन पर बड़ी कंपनियों में काम करने का कुछ खास अनुभव नहीं था, मगर क्योंकि सीखने की चाह थी इसीलिए जो भी वो काम करते थे या जो भी काम उनको दिया जाता था वो उसे समय से पहले ही पूरा कर लेते थे। अब बचे हुए समय का क्या किया जाए, इसके लिए वह कुछ और मांगते थे बॉस से। यह निरंतर होता हुआ देख उनके बॉस ने भी उनके लिए कुछ ऐसे काम रखने स्टार्ट किए जो उनके काबिलियत के हिसाब से वो कर सकते थे। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सकारात्मक छवि का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया, जिसका फायदा उनको अपने आगे के करियर पर होने लगा। इसमें हमको और जरूरी बातों से होता है, इतना हमसे अपेक्षित है उससे थोड़ा सा ज़्यादा करने को, थोड़ा सा जितना भी हम अपने एक्स्ट्रा अपने काम को दे रहे हैं यह हमें सफलता पे डिपेंड होता है। इसमें 40+ फॉर्मूला भी कहा जाता है। हर एक घंटा जो आप 40 घंटों के जो कुछ महत्वपूर्ण करने में लगाते हैं वह हमारे लिए भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट है। यानी कि जो काम हम कर रहे हैं उसके थोड़ा सा ज़्यादा ही एफर्ट दे हर काम। आप अगर सौंपी गई जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा करेंगे तो आपके सहकर्मियों के बीच के करीबी बन जाएंगे आप। वहाँ आपको अपने लीडर के तौर पे देखने लगेंगे और यह सब संभव होता है आत्म अनुशासन के दायरे पे रहने पे। जब बाकी के लोग अपना समय जाया कर रहे होते आपने उसका महत्व समझा और उसे सही कार्य में लगा दिया। एक नेता के रूप में आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप स्वयं पर और जिस परिस्थिति पर आप हैं वो दोनों पर नियंत्रण रखेंगे।
अक्सर ऐसा कहा जाता है कि लीडर्स आर वो बोल्ड, यानी कि वास्तव में लीडर्स कैन बी डू एनीथिंग, यानी कि नेतृत्व एक ऐसा गुण है जो सीखा भी जा सकता है। जहां हम काम करते हैं वहां हमारे कार्यकाल की चाल चरणों से होकर के गुजरता है। पहला चरण होता है जब हम उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं एक एम्प्लॉई के तौर पर। इस वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं होता है, मगर हम धीरे धीरे काम करते हुए अनुभव लेते हुए अगले चरण तक पहुँचते हैं जो है सुपीरियर का, जब हम पर दूसरों की जिम्मेदारी होती है। तीसरा चरण होता है मैनेजर का। यहाँ से हमको कुछ हद तक हम लीडर की भूमिका में आने लगते हैं, हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। इसके बाद हम चौथे चरण पर जाते हैं जो होता है कि लीडर, एक लीडर के तौर पर भी हमको ये तय करना होता है कि क्या किया जाना चाहिए और कैसे होगा। यहाँ हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है। इन चार चरणों को अगर हम देखें तो ऐसा समझ आता है कि कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में अपने कार्य के आधार पर आगे बढ़ता है और इसमें उसके निरंतर कुछ नया सीखने की चाह का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसके बारे में हम पहले भी काफ़ी विस्तार में बात कर पढ़ चुके हैं। कभी कभी कंपनी की विपत्ति का असर ऐसे समय में अगर आपने अपने कौशल बुद्धिमत्ता का परिचय दिया तो आपकी तरक्की तो निश्चित है, या शायद आपने उस अपेक्षा से नहीं किया हो मगर आपने एक वरिष्ठ होने के कारण आपके नेतृत्व करने की क्षमता नजर आई आपके सेल्फ मेट को। कठिन समय में भी सेल्फ सुझाव देना, अच्छा सुझाव देना और अपने सहकर्मियों को दिलासा देना, ये एक सफल नेता की कीमत है। जब आप भविष्य की सोचते हैं अपने इरादों के प्रति स्पष्ट होते हैं, आपको इस बात का भली बात यह अंदाजा होता है कि आपसे कुछ अपेक्षा किया जा रहा है और आप कैसे दूसरों के काम आ सकते हैं। इन बातों में जब आप विचार करने लगते हैं तो आप में नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होने लगता है। मगर एक लीडर का सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना ही काफ़ी नहीं होता है, उन्हें आदर्श के तौर पर भी अपनी सोच को काम के माध्यम से भी दिखाना पड़ता है। वो भी सरल शब्दों में कहा जाए तो कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, और इससे हम दूसरों पर विश्वास को जगा सकते हैं, उनमें नई ऊर्जा ला सकते हैं। एक नेता को हमेशा सकारात्मक सोचते रहना चाहिए, और अगर किसी कारणवश ऐसी परिस्थितियां आ भी जाए जहां पर रास्ता कठिन नजर आ रहा हो, फिर भी उस डर की भावना को स्वयं तक ही सीमित रखना यह एक सफल नेता की निशानी है। क्योंकि हमारे आसपास के लोग आपको उनका आदर्श मानते हैं, वो आपके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, इसीलिए आपका प्रत्येक कदम सोचा समझा होना चाहिए। ब्राइट ट्रेसी ने नो एक्सक्यूजेस पावर ऑफ सेल्फ में किताब में नेतृत्व की 7 नियमों के बारे में हमको जो बताया है, इन 7 नियमों को किसी भी नेता की भूमिका या जिम्मेदारियों का 7 कहा जा सकता है। तो देखते हैं क्या है ये 7 नियम। पहला होता है क्लियरिटी, यानी कि स्पष्टता। स्पष्टता स्वयं के बारे में, अपने लक्ष्यों के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति। अगर नेता स्वयं ही स्पष्ट नहीं होगा, दुविधा से घिरा हुआ होगा, तो दूसरों का मार्गदर्शन कैसे करेगा। दूसरा नियम है कॉम्पिटेंट, यानी कि क्षमता। किसी लीडर के प्रयास स्वयं को ही बेहतर बनाने की ओर केंद्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी कंपनी को कैसे नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाए उसकी तरफ भी होनी चाहिए। तीसरा होता है कमिटमेंट, यानी कि प्रतिबद्धता। कमिटमेंट की भावना तभी आती है जब हम किसी को अपना मानते हैं। एक लीडर का अपनी कंपनी के प्रति कमिटेड होना यह अन्य लोगों को प्रोत्साहित करता है। चौथा नियम आता है कंसिस्टेंसी, यानी कि स्थिरता। एक लीडर का व्यक्तित्व प्रेरणादायक होना चाहिए, इसमें स्थिरता का गुण सबसे ऊपर आता है। प्रतिदिन आचरण में बदलाव लाना लोगों को गलत संकेत देता है, कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो उसका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ना चाहिए। पांचवा आता है बाधाएं, यानी कि कंपनी को हमेशा मुनाफा ही हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। कई बार कुछ रुकावटों के कारण अपेक्षित मुनाफा नहीं होता है, और उस वक्त यह जिम्मेदारी लीडर की है कि वह उन बाधाओं को पहचाने और उसे समय रहते ही सुलझाने का प्रयास करे। छठा है क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता।
क्रिएटिविटी का मूल है नई बातों को अपनाने की तैयारी का होना। कई बार ऐसा होता है नए रास्ते अपना करके हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लीडर को ऐसे विकल्पों को जानने की इच्छा होनी चाहिए। और सातवा आता है कंटिन्यूस लर्निंग, यानी कि निरंतर सीखते रहना। और इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लीडर को इस पद पर लाने के लिए वो बहुत बड़ा हाथ होता है। और अब उन्हें यह देखना है कि हम कैसे बाकी के लोगों में भी ऐसा करने की प्रोत्साहन ला सकते हैं और उनको किस तरीके से प्रोत्साहित कर सकते हैं। और नेतृत्व करने की भावना जितनी समाधान देने वाली होती है उनसे बड़ी होती है उसकी डिसीजन। लीडर चुनौतियों का सामना करके मेहनत से ऊपर उठते हैं। अगर आप इन गुणों को अपने में समा लेंगे तो आप भी एक सफल नेता बन सकते हैं। और अगले चैप्टर में हम अनुशासन से जुड़ी बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। लेकिन अगर इसके पहले वाली कोई समरी आपको सुननी है, यानी पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो आप यहाँ प्लेलिस्ट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। थैंक यू।